सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग Vivo U20 की और देख लेंगे कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं अनबॉक्सिंग Vivo U20 की। दोस्तों, यह है Vivo U20 का बॉक्स और बॉक्स के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है 4GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट वाला U20 और पीछे के साइड हमें कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 675 5000mAh बैटरी, इसके साथ आते हैं 80W की फास्ट चार्जिंग और इसमें मिलता है ट्रिपल रियर कैमराज। ऑलराइट, तो फिर चलिए बॉक्स के ऊपर से इस सील को काट लेते हैं और देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ऑलराइट, तो जैसे आप देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें मिलता है एक एनवेलप, इसके साथ आपको मिलता है एक सिलिकॉन TPU केस और उसके साथ है सिम कार्ड इजेक्टर टूल और कुछ पेपर वर्क्स। ऑलराइट, ठीक इसके नीचे है हमारा फ़ोन और दोस्तों ये है Vivo U20 ब्लेज ब्लू कलर वेरियंट जिसको हम अभी देख लेते हैं, पर उससे पहले हम देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है। तो यहाँ पर हमें मिला है हमारा 18W की एक फास्ट चार्जर, जिसे आप देख सकते हैं पावर आउटपुट है 9V एट 2A। और दोस्तों, इस बार भी इस फ़ोन के साथ हमें USB Type-C केबल नहीं मिला है। Z1 Pro की तरह इस बार भी हमें देखने को मिला है एक माइक्रो USB केबल, क्योंकि फ़ोन में आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है चार्जिंग या फिर डेटा सिंकिंग के लिए। ऑलराइट, तो यही है सब कुछ जो आपको मिलता है बॉक्स के अंदर। तो अभी इन सबको साइड में रख लेते हैं और देख लेते हैं हमारा फ़ोन। दोस्तों, ये है ब्लेज ब्लू कलर Vivo U20। तो फ़ोन के ऊपर से इस प्लास्टिक को पहले उठा लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पर दोस्तों यहाँ पर आप जो रिफ्लेक्टिव बैक डिज़ाइन देख रहे हैं इसमें आपको ग्लास नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट या फिर प्लास्टिक बॉडी। एनीवेज, सामने की साइड हमें मिलता है एक 6.53 इंच की फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जिसके ऊपर आपको मिलता है नॉच डिज़ाइन और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच, और उसके साथ नॉच के नीचे हमें मिलता है 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा और उसके ठीक ऊपर आपको मिलता है ईयरपीस। पीछे के साइड हमें देखने को मिलता है एक ट्रिपल रियर कैमराज, जिसमें प्राइमरी है 16MP की f/1.8 एपर्चर, उसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और जो तीसरा कैमरा है वो हमें मिलता है 2MP की f/2.4 वाला मैक्रो सेंसर। कैमराज के ठीक नीचे आपको मिलता है LED फ्लैश और उसके साइड में हमें देखने को मिलता है एक रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। ऊपर के साइड हमें एकदम से कुछ भी नहीं मिलता है, नीचे की तरफ हमें देखने को मिलता है 3.5mm के हेडफोन जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट के साथ स्पीकर ग्रिल्स, राइट साइड में है हमारा पावर बटन के साथ वॉल्यूम कीज, जहां लेफ्ट में हमें देखने को मिलता है हमारा सिम का ट्रे, जिसको अभी खोल के देख लेते हैं इसका सेटअप। दोस्तों, Vivo U20 में हमें देखने को मिलता है ट्रिपल सिम स्लॉट, जहां पर आपको दो नैनो सिम के साथ एक डेडिकेटेड एक्सटर्नल SD कार्ड की स्लॉट देखने को मिलता है। तो आप दो नैनो सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड को साइमल्टेनियसली इस फोन में यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम फर्स्ट टाइम के लिए फोन को बूट कर लेंगे। Yes, हमें मिल गया हैप्टिक फीडबैक और फोन बूट होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, जब तक ये फोन बूट होकर सेटअप स्क्रीन पर आता है, तब तक हम क्विकली देख लेते हैं Vivo U20 की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, Vivo U20 में हमें मिलता है 6.53 इंच की फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जिसमें आपको मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन और नॉच के नीचे 16MP की एक सेल्फी कैमरा। U20 में हमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट, जो एक ऑक्टाकोर CPU है। इसके साथ आता है 4 या 6GB का रैम और 64GB का स्टोरेज वेरियंट्स। कैमरा
कैमरे की अगर बात करें तो पीछे की तरफ हमें मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा जिसमें प्राइमरी 16 मेगापिक्सल की 8 मेगापिक्सल f2.2 अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल f2.4 मैक्रो सेंसर। वीवो U20 के साथ आता है 5000 mAh की बैटरी जिसके साथ आपको बॉक्स के अंदर मिलता है 18 वाट की एक फास्ट चार्जर। इसमें हमें मिल जाता है पीछे के साइड एक रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉकिंग का ऑप्शन और फन टच ओएस जो चल रहा है ऑन एंड्रॉइड 9 पाई। ओके, तो फोन बूट हो गया है तो हम जल्दी से इसका इनिशियल सेटअप कर लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, फोन को हमने फर्स्ट टाइम के लिए सेटअप कर लिया है और इसमें हमें मिलता है फन टच ओएस और सरप्राइजिंगली इसके साथ हमें प्री इंस्टॉल्ड व्हाट्सएप देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों उसके साथ हमें कुछ और भी ब्लोटवेयर्स या फिर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिलता है जो अगर आप चाहे तो यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि डेली हंट आप चाहे तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। पर दोस्तों अगेन इसमें हमें कोई ऐप ड्रॉयर देखने को नहीं मिलता है और नीचे से अगर आप स्वाइप करते तो यहाँ पर आपको क्विक टॉगल्स देखने को मिल जाता है। एनीवेज हम जल्दी से चले जाते हैं सेटिंग्स में और माई डिवाइस में आपको मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 9 पाई और दोस्तों इसमें हमें मिलता है 64GB की इंटरनल स्टोरेज जिसमें से आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है 52GB। तो फ़ोन को सेटअप करने के टाइम हमने फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को भी सेटअप कर लिया है। तो पहले हम चेक कर लेंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर को और दोस्तों इस फोन में हमें पीछे के साइड मिलता है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो पहले इसे चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, तो थोड़ा सा डिले हमें देखने को मिलता है, 0.5 सेकंड्स की डिले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट स्कैनर में। एनीवेज तो चलिए अभी देख लेते हैं हमारा फेस अनलॉकिंग कैसा काम करता है वीवो U20 में। ऑलराइट, तो फेस अनलॉक जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी फास्ट हमें देखने को मिल रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर में जैसे हमने 0.5 सेकंड्स की डिले देखा था, फेस अनलॉकिंग में आपको किसी भी तरह की डिले देखने को नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो ना हम चले जाएंगे कैमरा ऐप में और दोस्तों इसमें हमें मिलता है ट्रिपल रियर कैमरास। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप फोटो मोड में देख सकते हैं कि हम यहाँ से मैक्रो और वाइड एंगल में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सुपर मैक्रो को सिलेक्ट करते तो मैक्रो मोड एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ से ही आप मैक्रो मोड, बोके और अल्ट्रा वाइड एंगल मोड में चेंज कर सकते हैं। एनीवेज उसके साथ हमें देखने को मिलता है एक पोर्ट्रेट मोड, एक डेडिकेटेड नाइट मोड। ऑलराइट, तो हम चले जाएंगे वीडियो मोड में और सेटिंग्स में जैसे आप देख सकते हैं वीडियो साइज हमें मैक्सिमम 4K तक देखने को मिलता है, तो इस फोन से आप 4K वीडियोस भी ले सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पर आपको एक मोड ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ से आप एयर स्टिकर्स, लाइव फोटोज, स्लोमो या फिर एक फुल मैनुअल कंट्रोल मोड को एनेबल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम कुछ पिक्चर्स खींच लेते हैं। एनीवेज दोस्तों, ये है कुछ फोटोज जो हमने अभी अभी ली है Vivo U20 से। तो ये है मैक्रो इमेज जो हमने अभी अभी ली है इसकी मैक्रो सेंसर को यूज़ करके। ये है वाइड एंगल इमेज, सुपर बोके मोड जिसमें आपको बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है, और ये है नॉर्मल मोड से ली गई इमेज। दोस्तों अभी चलिए देख लेते हैं कुछ पिक्चर्स जो हमने ली है Vivo U20 की ट्रिपल रियर कैमरे से। ये है कुछ आउटडोर नॉर्मल शॉट्स जो हमने ली है डेलाइट कंडीशन में। फोटोज में कलर्स नेचुरल लग रहा है और डेलाइट कंडीशन की हर एक फोटो का डिटेलिंग मुझे बढ़िया लग रहा है। वाइड एंगल पिक्स को देखें तो ये है नॉर्मल इमेज और ये रहा वाइड एंगल इमेज। सेम ये है नॉर्मल इमेज और ये रहा वाइड एंगल शॉट। फाइनली ये है कुछ मैक्रो इमेजेस, इसमें हमें मिलता है एक डेडिकेटेड मैक्रो सेंसर और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट की काफ़ी क्लोज जाके आप पिक्चर्स ले सकते हैं। पर दोस्तों टू बी ऑनेस्ट, 2 megapixel कैमरा का पिक्चर क्वालिटी आपको एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो ओवरऑल U20 का कैमरा परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगा है, पर आगे जाके हम इस फ़ोन में दूसरे फ़ोन्स के साथ कैमरा कंपैरिजन करेंगे जिससे आपको इन डिटेल में Vivo U20 की कैमरा के बारे में पता चल जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, यही था अनबॉक्सिंग Vivo U20 की। और अगर इनिशियल इंप्रेशन की बात करें, बिल्ड क्वालिटी मुझे इस फ़ोन का एवरेज लगा है क्योंकि इस फ़ोन के पीछे के साइड आपको जो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल देखने को मिलता है वो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी जल्दी इसमें आपको स्क्रैचेस देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी आप देख सकते हैं काफ़ी सारा फिंगरप्रिंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पर अगर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन इस फ़ोन का मुझे बहुत ही बढ़िया देखने को लग रहा है। पर ये फिंगरप्रिंट स्कैनर को जैसे हमने टेस्ट किया है आपको थोड़ा बहुत डिले देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी मुझे बढ़िया लगा है।
और LCD डिस्प्ले होने के बाद भी इसका कलर कॉन्ट्रास्ट देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इसके साथ हमें मिलता है TPU केस, तो अभी जल्दी से इसको फ़ोन में लगा लेते हैं। और दोस्तों केस को लगाने के बाद जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा बल्की लग रहा है, पर जैसे मैंने बताया कि पॉलीकार्बोनेट मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आता है, तो इससे फ़ोन को बचाने के लिए आपको ये केस ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, यही था हमारा अनबॉक्सिंग वीवो U20 की। आगे जाके हम दूसरे फ़ोन्स के साथ इस फ़ोन को कंपेयर करेंगे। इसमें हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 675, जिसका परफॉर्मेंस हमने ऑलरेडी रेडमी नोट 7 प्रो में देखा है। पर दोस्तों इसके साथ हमें मिलता है 5000mAh की बैटरी, जिसको हम बैटरी ड्रेन टेस्ट में चेक करेंगे और उसके साथ परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे दूसरे फ़ोन्स के साथ कंपेयर करके, पबजी खेलेंगे। तो इस फोन से रिलेटेड काफी सारा वीडियोस आने वाला है और दोस्तों आपको Vivo U20 के बारे में इन डिटेल में पता चल जाएगा हमारे फुल रिव्यू में। और यही था आज के वीडियो को, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।